क्लास नाइन्थ के सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। जो आपको जो लेसन पढ़ाया जा रहा है वो था, लेसन का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन, इंडिया की साइज एंड लोकेशन, भारत का आकार एवं स्थिति। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो एनसीईआरटी की बुक है वो ले लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक से आपको सारा सिलेबस है वो करवाया जा रहा है। एनसीईआरटी बुक से आपको इसी लेसन का थोड़ा आपको ग्लोब के बारे में बताया जा रहा है। ग्लोब के बारे में, ग्लोब के आपने पहले ग्लोब किए होंगे 8th में 7th में, लेकिन आज हम आपको ग्लोब बताने जा रहे हैं। इसे आप नोट करेंगे, अगर आपके पास नोटबुक है तो नोटबुक के अंदर आप इसे बना लीजिए, अभी बना लीजिए पेंसिल की सहायता से। तो देखिए सबसे पहले ग्लोब क्या है। पृथ्वी की काल्पनिक एक नमूना है, पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना है जिसके द्वारा हम पृथ्वी की संरचना को समझना और पृथ्वी का अध्ययन करना आदि के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की संरचना एक वैज्ञानिक पद्धति द्वारा, वैसे पृथ्वी के अंदर कोई किसी प्रकार की रेखाएं नहीं डाली गई है, लेकिन वैज्ञानिक पद्धति द्वारा, वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी द्वारा इसके अंदर कुछ रेखाएं हैं वो डाल दी गई है, जिसके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ग्लोब क्या होता है, ग्लोब का मीन्स क्या होता है। तो ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी की काल्पनिक एक काल्पनिक नमूना या पृथ्वी की संरचना को समझना, पृथ्वी का अध्ययन करना गोला ग्लोब कहते हैं। अब आगे हम बात की जाए, ग्लोब को हम दो प्रकार से बांटेंगे, जिसे हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं और लोंगिट्यूड रेखाएं। अक्षांश रेखाएं यानी लेटिट्यूड रेखाएं अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, और लोंगिट्यूड यानी देशांतरीय रेखाएं लोंगिट्यूड बोलते हैं। इसको हम दो प्रकार से बांटेंगे। सबसे पहले ध्यान देंगे आप इसके अंदर एक जीरो डिग्री सभी ध्यान देंगे, इसके अंदर एक जीरो डिग्री है, इसे बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं, यानी भूमध्य रेखा, भूमि के मध्य बिल्कुल हाफ हाफ बांटने वाली, दोनों तरफ आधा आधा बांटने का काम करती है, जैसे साउथ और नॉर्थ, एक तरफ ऊपरी साइड बोलेंगे नॉर्थ यानी उत्तरी पोल, इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला है उसे बोलते हैं साउथ पोल, दक्षिणी पोल बोलते हैं इसे। तो इस प्रकार हम इसे दो प्रकार से बांट लेते हैं। ये विषुवत रेखा है, ये जीरो डिग्री पर होती है, जिसे हम विषुवत रेखा बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी इसे बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए इसके जो ऊपर की ओर देखा जाए, यानी जीरो डिग्री विषुवत रेखा की तरफ से अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएं तो एक डिग्री, फिर दो डिग्री, फिर तीन डिग्री, फिर चार डिग्री, इस प्रकार 90 रेखाएं बनेगी। कुल कितनी रेखाएं बनेगी, 90 जो लेटिट्यूड रेखाएं बनेगी वो 90 बनेगी। एक लेटिट्यूड रेखा जगह अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएं तो एक लेटिट्यूड रेखा के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है, 111 लिख लीजिए। एक लेटिट्यूड विषुवत रेखा की तरफ अगर नॉर्थ की तरफ जाएंगे हम तो एक लेटिट्यूड रेखा के बीच की कुल दूरी 111 किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर, फिर 111, फिर 111, फिर 111, फिर 111, कुल मिला के ये लेटिट्यूड होती है नॉर्थ की तरफ 90 होती है। कुल कितनी होती है, 90 होती है कुल। इसी प्रकार अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की तरफ आएंगे, साउथ पोल की तरफ आएंगे, तो ये कुल लेटिट्यूड अक्षांश रेखाएं हैं वो कितनी हो जाएगी, 111 के बीच की डिस्टेंस है इनके बीच, 111 इस प्रकार ये 90 रेखाएं ये मानी गई है। तो इसे हम 90 उत्तरी की तरफ और 90 साउथ की तरफ, इस प्रकार ये मिला के 90 प्लस 90 180 प्लस में ये एक कौन सी है, ये विषुवत रेखा है। ये क्या कौन सी है, विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा कुल मिला के ये 181 हो जाती है। लिख लीजिए कि अक्षांश रेखाएं या लेटिट्यूड जो लाइंस है वो कितनी है, तो 90 प्लस 90। अब 90 कौन सी, कई बार पूछ रहे, 90 नॉर्थ की, 90 साउथ की, प्लस में एक विषुवत रेखा, कुल मिला के 181 हो जाती है। अब ये भी पता होंगे अक्षांश रेखाएं क्यों खींची गई है, अक्षांश रेखाओं का क्या फायदा है। तो अक्षांश रेखाएं होती है वो क्या बताती है, वो हमें अक्षांश रेखाएं तापमान और जलवायु बताती है, टेम्परेचर्स एंड क्लाइमेट्स के बारे में हमें बताती है। जो लेटिट्यूड है वो क्या बताती है, तापमान और जलवायु के बारे में बताती है, टेम्परेचर्स एंड क्लाइमेट्स के बारे में बताती है। अगर हम इसी प्रकार अगर
आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, शायद आपको समझ आ रहा होगा। इसी प्रकार इसी का नेक्स्ट वीडियो नंबर एक वीडियो डाल के लिख लीजिए, पहला वीडियो है ये ग्लोब के बारे में। इसी का दूसरा वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ, लंबा वीडियो है वो नहीं पहुंच पाता आप तक, तो इसे आप समझेंगे सही ढंग से। अगर स्क्रीन शॉट लेना स्क्रीन शॉट ले लीजिए।